हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सुपर टेन लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जैसा कि टाइमिंग आप सबको पता है। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेशन पहले के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्रमवार इन प्रश्नों के सोल्यूशन को देखते चले। टॉप टेन की जो श्रृंखला आपके लिए जारी की गई है, उसमें अभी सेट वन के प्रश्नों को मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए ध्यान देना, प्रश्न पहला आपके सामने है। प्रश्न चलिए आप पढ़ पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ। यदि 1 प्लस रूट में एक्स अपान 144 इक्वल 13 अपान 12, तो यक्स किसके बराबर है, मान पूछा गया। तो चलिए इसका सोल्यूशन बेहद सिंपल होगा। सबसे पहले तो आप इस एक को दाहिने तरफ पक्षांतर कर लीजिए। तो जब एक को दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे तो सोल्यूशन ध्यान देना, रूट में एक्स अपान 144 जैसे का आप वैसा लिखना, बराबर 13/12 है। और जब एक को हम इस दाहिने तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक। चलिए अभी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रूट में एक्स अपान 144, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, रूट में एक्स अपान 12, रूट में एक्स अपान 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12, बराबर। अब आप ऐसा करना, 12 का गुणा तिरछा एक में गुणा करिए, तो 12 का गुणा जब एक में गुणा करेंगे तो 12 एक का 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे तो 1/2 कितना हुआ, 12। अब ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, क्योंकि 12 इधर भाग हो रहा है उधर जाएगा तो 12 गुणा होगा, तो 12 12 कैंसिल हो गया। तो रूट यक्स बराबर 1 है, तो इसलिए हमसे पूछा है यक्स किसके बराबर है, तो दोनों पक्ष से वर्ग कर दीजिए तो यक्स बराबर 1 आ गया। क्योंकि दोनों साइड से वर्ग करेंगे तो करड़ी में एक्स का स्क्वायर यक्स हो जाएगा और एक का स्क्वायर एक ही, तो यक्स किसके बराबर होगा, 1 के। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो इसमें तो कुछ रहा नहीं, बस केवल एक को उधर पक्षांतर करके प्रोसेस को आगे करना था। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा यहां से लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा एक आसान प्रश्न है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट अभी देर से जुड़ रहे हैं, यह जो प्रैक्टिस पार्ट मैंने वन लिया है, ये आपके सिलेबस में सुपर टेट में एक सरसमिका का पार्ट दिया गया है ना। तो सरसमिका आइडेंटिटीज के अंतर्गत का ये 10 प्रश्न मैंने यहां से लिया है। और इस सरसमिका में क्या क्या आते हैं, इस सरसमिका के अंतर्गत कुछ सेक्शन है जो हम जिसका अध्ययन करते हैं, जिसमें करणियों के भी सेक्शन आ जाते हैं, सर के घातांक के भी पार्ट आ जाते हैं, है ना, भिन्न के पार्ट आ जाते हैं, वर्गमूल और घनमूल के पार्ट आ जाते हैं। तो इन सबको मिला जुला के और बोर्ड मास वाले प्रश्न जो होते हैं, इसी सभी ये सरसमिका या इसको हम संक्रिया के अंतर्गत भी रखते हैं, जो आइडेंटिटीज है ना, उस पार्ट के अंतर्गत का ये सिलेबस है, जिसमें जो 10 प्रश्न मैंने लिया है इसी सरसमिका या संक्रिया के अंतर्गत के कुछ प्रश्नों को लिया है। हालांकि सरसमिका का पार्ट थोड़ा सा बृहद भी होता है, जिसमें बीजगणितीय तारतम्य वाले भी प्रश्न आ जाते हैं। तो फिलहाल आज चूंकि सेट वन आप देख रहे हैं, तो इसमें कुछ बेसिक प्रश्नों को लेकर ही केवल मैं आपके सामने हूं। तो चलिए यहां से एक प्रश्न दूसरा आप देख रहे हैं, एक्स पर घात बी प्लस सी और विद इन ब्रैकेट फिर बी माइनस सी। अच्छा, हम सभी जानते हैं यदि घात पर घात लगा हो तो घातों का गुणा कर लिया जाता है। जैसे ये घातांक का नियम हम सबको पता है, जैसे a पर घात m है, ब्रैकेट क्लोज उस पर n है, तो आप देख पा रहे हैं इस घात पर भी घात लगा है। तो जब घात पर घात लगा हो तो घातों का गुणा कर लिया जाता है, तो m का गुणा n में गुणा करेंगे तो m इंटू n। ये घातांक का नियम बेसिक नियम है जिससे हम सभी अवगत है। तो चलिए इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी पर्टिकुलर रूल का हम अभी फिलहाल प्रयोग करेंगे। तो देखिये, एक्स पर घात बी प्लस सी है और ब्रैकेट बंद किया उस पर भी बी माइनस सी लगाया, तो इस घात पर भी एक घात और लगा है, तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो b प्लस सी का गुणा b माइनस सी में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कैसे, आप जानते हैं एक ब्रैकेट में b प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी, तो x प्लस वन विद इन ब्रैकेट दूसरे में x माइनस वाई हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से ये ओपन है। अच्छा, अभी यहां पर इंटू सेंस है तो आप इंटू लगाए, यहां डॉट पॉइंट हटा दिया गया है, वो एक्चुअल सेंस इंटू ही है गुणा। अब देखिए, एक्स पर घात सी प्लस ए है, उस पर एक घात और है सी माइनस ए, घात पर घात हो तो घातों का गुणा कर लिया जाता है,
तो c प्लस ए का गुणा c माइनस ए में गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, फिर इंटू एक्स पर घात, यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, घात पर घात है गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए इन तीनों पदों का हमें गुणा करना है, इन तीनों पदों का गुणा करना है और सबके आधार क्या है बराबर, और हम सभी जानते हैं गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो चलिए आधार तो सबके बराबर है तो आधार में तो हम यक्स ही लिखेंगे, लेकिन इन सबकी घातें जो दिख रही हैं इन घातों को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम इसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसमें भी जोड़ेंगे कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम सभी जानते हैं गुणा करते समय आधार समान हो तो आधार तो हम यही लिखेंगे लेकिन इन सबकी घातों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब स्पष्ट रहा ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ है ना, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना अच्छा लग रहा है प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये सभी जब कैंसिल हो गए तो घात में बचा क्या जीरो, और हम सभी जानते हैं यदि किसी आधार पर घात शून्य हो तो उसका वैल्यू कितना होता है एक होता है, तो इसकी वैल्यू कितना होगा रिजल्टेंट एक आएगा, इसका भी ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे तीसरा यहां से लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, यदि P अपान 56 P बटे 56 बराबर करड़ी में 784 गुणा 49 बटे 4P स्क्वायर हो तो इसमें P का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहां से ध्यान देना प्रश्न आसान है, क्रमवार यदि हम देखें तो यहां पर सोल्यूशन देखिए P बटे कितना है 56 है, P बटे कितना है 56 बराबर, अच्छा इधर 784 का वर्गमूल निकालेंगे और 784 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल तरीका भी लगा सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है तो इसके थोड़ा आगे है, 26 का 676 होता है, 27 का तो बनेगा नहीं, 28 का बेशक बन जाएगा। देखिए 28 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 8 2 64 4 करी 6 2 2 4 4 8 32 37 करी 3 2 2 4 3 784 ये बन रहा है, तो ये किसका 784 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 784 का वर्गमूल बनेगा कितना 28 और गुणा 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और बटे कितना है 4p स्क्वायर। चलिए देखिए कितना आसान था, p बटे 56 है बराबर 784 का वर्गमूल 28 होगा गुणा 49 का वर्गमूल 7 पूरे पर बटे कितना 4p स्क्वायर। वैसे आप देखिए 4 से ये कितनी बार में कटा 7 बार में, ये तो समझे ना कैसे कटा, चलिए ये नहीं कहना मार्कर से। अभी ध्यान देना a बटे बी बराबर सी बटे डी हो तो हम सभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलिए हम तिर्यक गुणा करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना p का गुणा p स्क्वायर में, p स्क्वायर का गुणा p में कितना हुआ p क्यूब बराबर, अब 56 का गुणा उधर गुणा करेंगे 56 गुणा 7 गुणा 7, इतना बात समझे, ये p क्यूब का वैल्यू है और जब हम p निकालेंगे तो हम इसका थर्ड रूट निकालेंगे घनमूल। अच्छा 56 को मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूं, आप चाहे तो ऐसा कर लीजिए, 56 को मैं लिख सकता हूं 2 2 4 4 2 8 और 8 7 56, देखिए 2 2 4 4 2 8 8 7 56 और फिर गुणा 7 गुणा 7 है, क्योंकि जब हमें इसका घनमूल निकालना है तो ट्रिपलिंग करना, तीन का समूह बनाना, तो तीन का समूह बनाएंगे तो 2 का एक समूह बन जाएगा और 7 का एक समूह बन जाएगा, तो P बराबर कितना हुआ, ये 2 बाहर यहां से निकालेंगे 7 वहां 2 सत्य कितना आया 14, यही P का वैल्यू हो जाएगा, तो P बराबर कितना आएगा 14। तो देखिए बेहद आसान था, P बटे 56 बराबर 784 का वर्गमूल 28 49 का 7 और बटे ये जैसा लिखा था 4p स्क्वायर, 4 7 28 हो गया, बाकी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके रिजल्टेंट को प्राप्त किया सॉरी। चलिए देखिए प्रश्न संख्या चौथा यहां से लेते हैं, प्रश्न संख्या चौथा, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया संक्रियाओं के अंतर्गत के जो सेक्शन होते हैं जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं करड़ी घातांक भिन्न वर्गमूल और घनमूल, तो इन्हीं सेक्शन को लेकर 10 प्रश्नों का सीरीज मैंने आपके सामने रखा है, यह आपके पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को देखकर तो प्रश्न निश्चित तौर पर बेशक बड़ा है, यदि हम इसके पूरे डिटेल कैलकुलेशन में जाते हैं
संयुग्मी करके, रेशनलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन संयुग्मी करके यदि हल किया जाए तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। जल्दी कैसे हल करेंगे? देखिए, पहले तो एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, जैसे गणित का कोई सवाल इस तरीके से करणियों का खासकर आपके सामने आया तो आप कैसे समझ सकेंगे कि यह परिमेय करण का ही सवाल है। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूं, समझना कैसे है। यदि हर में दो पद हो, हर में कितने पद हो? दो पद, जिसके दोनों पद या कम से कम एक पद करणी में हो, तो समझ लेना हमें परिमेय करण करना है। तो देखिए, जैसे हर में दो पद है और दोनों के दोनों करणी में है, अच्छा जरूरी नहीं दोनों करणी में हो, या तो दोनों करणी में हो या कम से कम एक करणी में हो। जैसे यहां कम से कम एक करणी में है क्योंकि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, फिर भी यह करणी में रहेगा ही। तो जब हर द्विपदी हो जिसमें दोनों पद या कम से कम एक पद करणी में हो और जो पद करणी में हो उसका वर्गमूल ना निकले, तो यह समझ लेना परिमेय करण का सवाल है। जैसे इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो एक पद फिर भी करणी में रहेगा, तो परिमेय करण का सवाल है। दूसरी बात यह, जल्दी कैसे हल करें? तो इसका नियम मैं आपको बता रहा हूं, यदि हर के दोनों पद के वर्ग का अंतर एक आ जाए, यदि हर के दोनों पद के वर्ग का अंतर एक आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों का परिमेय करण क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है और चिन्ह का विपरीत हो जाता है। जैसे यहां हर में दो पद है, पहला पद करणी में 9 है, तो करणी में 9 का स्क्वायर करें, पहले देखिए दोनों पद का वर्ग करके अंतर निकालना, पहला पद करणी में 9 है, 9 करणी में 9 का वर्ग करेंगे तो 9 ही आएगा, और दूसरा पद करणी में 8 है और करणी में 8 का यदि वर्ग करें तो करणी में 8 का वर्ग कितना आएगा? 8 आएगा। तो देखिए 9 और 8 का अंतर कितना है? 1। तो इसका परिमेय करण क्या होगा? इसका परिमेय करण उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो हर में है ये अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में चलाएगा, और साथ ही साथ ये जो बीच में चिन्ह है ये बदल जाएगा। देखिए कैसे, ये करणी में 9 ऊपर चला जाएगा और माइनस नहीं, अब ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस करणी में 8 और बटे कितना? 1। मतलब अंश वाला हर में चलाएगा और हर वाला कहां चला जाएगा? अंश में, और साथ ही साथ ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा। ये कब होगा? जब दोनों पद के वर्ग का अंतर एक हो तो परिमेय करण की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कर दीजिए। अच्छा, बटे एक लिखने का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि एक से भाग करेंगे तो वही आएगा, इसलिए मैं बटे एक हटा दे रहा हूं। अब यहां माइनस लगा है, आप माइनस लगाइए। अच्छा, यहां भी करणी में 8 का वर्ग कितना होगा? 8, और करणी में 7 का वर्ग कितना होगा? 7, क्योंकि जो राशि करणी में हो वर्ग करने पर करणी हट जाता है, करणी में 8 का वर्ग 8 और करणी में 7 का वर्ग 7, 8 और 7 का अंतर कितना आएगा? 1। तो इसका परिमेय करण क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, मतलब हर वाला अंश में चला जाएगा और ये जो बीच में माइनस है ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस करणी में 7, अब बटे में कितना? 1। तो बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 से भाग करेंगे वही आएगा। अच्छा, इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए कर दिया क्योंकि इसके पीछे माइनस लगा हुआ था, क्योंकि जब पीछे माइनस लगा है तो दोनों के चिन्ह ओपन करने पर बदल जाएगा। फिलहाल ध्यान देना, अगले में प्लस लगा है तो प्लस किया। अच्छा, यहां भी दोनों पद के वर्ग का अंतर करिए, करणी में 7 का वर्ग 7 और करणी में 6 का वर्ग 6, तो 7 और 6 का अंतर 1 है, तो इसका परिमेय करण क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये जो बीच में माइनस है ये बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बटे 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बटे 1 करने से कोई फायदा है नहीं। यहां माइनस है, करणी में 6 का वर्ग 6, करणी में 5 का वर्ग 5, अंतर 1 है, तो इसका भी परिमेय करण उल्टा हो जाएगा और माइनस नहीं बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरीके से एक पद और बचा है, कौन सा? अब देखिए, करणी में 5 का वर्ग 5, करणी में 4 का वर्ग 4, 5 और 4 का अंतर 1, तो इसका भी परिमेय करण उल्टा हो जाएगा और जो बीच में माइनस है ये माइनस बदल के क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमें पूरा परिमेय करण करने की आवश्यकता नहीं थी। अंतिम लाइन ध्यान दीजिएगा, करणी में 9 प्लस करणी में 8 है। अच्छा, माइनस का गुणा जब इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस का गुणा करणी में 8 में माइनस करणी में 8, और माइनस का गुणा प्लस करणी में 7 में माइनस करणी में 7, और ये प्लस का गुणा करेंगे तो ये तो एज इट जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस करणी में 7 और प्लस करणी में 6, और माइनस का गुणा जब इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस करणी में 6, दोनों चिन्ह बदल जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस करणी में 5, और ये प्लस है तो प्लस का गुणा इससे इधर करेंगे तो जैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब प्लस करणी में 5 और प्लस करणी में 4। तो अच्छा भी ध्यान देना, ये प्लस करणी में 8 माइनस करणी में 8 कट गया, विपरीत चिन्ह कटते जाएंगे, माइनस करणी में 7 प्लस करणी में 7 प्लस करणी में 6 माइनस करणी में 6 माइनस करणी में 5, और तो ये कट गया, बचा क्या? बचा यहां से करणी में 9, और करणी में 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा?
करणी में 9 का वैल्यू क्या, सॉरी करणी में 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 और उधर 4 का वर्गमूल 2, 3 और 2 कितना आएगा 5 आएगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी। तो देखिए आपको पूरा परिमेयकरण करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बेसिक पहलुओं को ध्यान देना, और वैसे करणियों का ओपन वीडियो भी मेरा पड़ा है, यदि पूरे प्रोसेस को आप समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 5वां यहां से लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी जानते हैं जब योग या अंतर के रूप में करणी एक से अधिक बार हो परंतु अनंत बार न हो, तो ऐसे प्रश्नों को अंतिम से हल करते हुए पहले की ओर आना चाहिए। अच्छा, अंतिम से हल करते हुए पहले की ओर, हम पहले वाले करणी से क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि ये जो पहली करणी है ये केवल 5 को नहीं ढक रही है, पूरे को एक साथ ढक रही है, अब पूरे का एक साथ रूट निकाल पाना संभव नहीं है, अतः अंतिम से हल करिए। अच्छा, यदि अंतिम से हल करेंगे तो अंतिम वाला करणी केवल खुद को ढक रही है, बाकी और किसी को नहीं, इसलिए यहां से हल करना बेहद आसान हो जाएगा। तो पहले बताइए, करणी में 49 है तो 49 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 7, 49 का वर्गमूल 7, तब ये करणी कैंसिल हो जाएगा, तो जब 49 का वर्गमूल 7 आएगा तो ये 7 इधर जोड़ दीजिए क्योंकि यहां प्लस है, तो 29 और 7 कितना हो गया 36, 29 और 7 कितना हो गया 36, अभी ये 36 करणी में है और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 यहां जोड़ दीजिए तो 19 और 6 कितना हो गया 25, क्योंकि यहां प्लस है तो जोड़ेंगे, तो 19 और 6 25, अभी ये 25 करणी में है तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, क्योंकि 25 करणी में रहेगा तो 25 का वर्गमूल 5, अब ये 5 यहां पर प्लस करना क्योंकि यहां प्लस है, तो 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 अभी करणी में है और 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4, तो 4 यहां पर आप ऐड कर लीजिए, तो 5 और 4 कितना 9, और जब 9 देखेंगे तो 9 करणी में है और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। मेरे कहने का सेंस देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं है, आप सीधा अंतिम से यही देख लिया करिए, 49 का वर्गमूल 7, 7 प्लस 29 बराबर 36, और 36 करणी में है तो 36 का वर्गमूल 6, और 6 प्लस 19 जोड़ेंगे तो 25, और 25 करणी में है तो 25 का वर्गमूल कितना 5, और 5 और प्लस 11 कितना 16, और 16 करणी में है तो 16 का वर्गमूल 4, 4 और प्लस 5 बराबर 9, और 9 का वर्गमूल 3। मतलब आपको पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल सवाल था। प्रश्न संख्या 6वां यहां से देखिएगा। देखिए घातांक का ये प्रश्न है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न अपेक्षित है, इस तरीके के प्रश्न बराबर बनते रहे हैं, खासकर ये प्रश्न उस स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि आपके सिलेबस में संक्रिया का पाठ्यक्रम दिया गया हो, सुपर टेट में संक्रिया दिया गया है, इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां से देखते हैं, चलिए यहां से देखिएगा, एक घातांक का नियम हम सभी जानते हैं, घातांक का नियम यह कहता है जैसे a पर m और प्लस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a पर m इंटू a पर n, लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो चलिए देखिए, a पर घात m प्लस n है, तीन को a माने और इसको m प्लस n, तो a पर घात m प्लस n है, तो ओपन जब करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 पर n इंटू 3 पर 2, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घाते जुड़ेगा तो यही मिलेगा, अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, यहां 3 पर n, 3 पर घात n प्लस 1 है तो a पर घात m प्लस n को हम लिख सकते हैं a पर n इंटू a पर m इंटू a पर n, चूंकि गुणा करते समय आधार समान हो तो घाते जोड़ेंगे तो यही मिलेगा, अब बटे में क्या है, देखिए 3 पर घात n प्लस 4 है तो 3 पर n इंटू 3 पर 4 लिख सकता हूं, और प्लस इसको लिख सकता हूं 3 पर n इंटू 3 पर 1। अब ध्यान देना अंश में, देखिए 3 पर n दोनों पदों में है, कॉमन है, तो यदि मैं 3 पर n कॉमन कर लूं तो यहां से क्या बचेगा, देखिए दोनों में 3 पर घात n था तो जब इसको मैं कॉमन कर लूंगा तो यहां से बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, और माइनस ये 3 पर n तो कॉमन है, 3 पर घात 1 का मतलब 3 हुआ, अब बटे इन दोनों में भी 3 पर घात n कॉमन है, और जब 3 पर घात n कॉमन करेंगे, 3 पर घात n कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3 पर घात 4, और 3 पर घात 4 का मतलब 81 हुआ, तो 81 और प्लस 3 पर n तो कॉमन है 3,
बस यहां हल करना, तीन पर्यंत तो कट गया, नौ में से तीन घटाएंगे कितना है छह, और इक्यासी और तीन जोड़ेंगे चौरासी, तो ये छह से कट जाएगा, छह का छह और छह चौके चौबीस, तो ये एक बटे चौदह आएगा, जिसमें हमारा ऑप्शन सी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं ए पर यम प्लस एन का पैटर्न दिखे, ए पर यम इंटू ए पर एन में तोड़ लिया करिए, इससे कैलकुलेशन की प्रोसेस बेहद सिंपल हो जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या सातवां देखते हैं। प्रश्न संख्या सातवां देखिए, इस तरीके के प्रश्न बराबर बनते रहे हैं। आप देखिए विगत कुछ प्रश्न पत्र को देखें तो इस प्रकार के प्रश्नों की पॉपुलरिटी कुछ अलग ही है। बराबर प्रश्न बनते हैं, संक्रियात्मक प्रक्रिया का आधारित प्रश्न है। सबसे पहले तीन पर घात ए इंटू पांच पर घात बी इंटू सात पर घात सी बराबर 1575। पहले तो मैं ये कहूंगा 1575 का पहले आप फैक्टर कर लीजिए, और जब 1575 का हम सभी फैक्टर करेंगे तो अभी ये तीन से कटेगा, तीन पंचे पंद्रह, तीन दुना छह एक, तीन पंचे पंद्रह, अभी भी तीन से कट जाएगा। ये तीन से जब कट करेंगे तो तीन एक का तीन, दो बचा बाईस, तीन सत्य इक्कीस, फिर तीन पंचे पंद्रह, फिर यहां से ध्यान देना अभी सात पांच बारह और एक तेरह, अब तीन से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा पांच से, पांच या पंद्रह, दो पच्चीस, पांच पंचे पच्चीस, फिर पांच से कटेगा ये सात बार में, फाइनली सात से कटेगा ये एक बार में। मतलब ये 1575 का जब गुणनखंड करेंगे तो 1575 का जब गुणनखंड करेंगे तो तीन तीन दो बार आएगा, तीन तीन कितनी बार आएगा दो बार, और पांच पांच भी कितनी बार आया दो बार आया है, और गुणा ये सात कितनी बार आया है एक बार आया, मतलब सात पर घात एक लिख सकते हैं। तो अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे, देखिए सोल्यूशन यहां से समझिएगा, तीन पर ए इंटू पांच पर घात बी इंटू सात पर घात सी, ये बराबर है तीन पर दो इंटू पांच पर दो इंटू सात पर एक। अब दोनों साइड से कंपेयर करिए, देखिए इधर भी तीन उधर भी तीन, यहां पर घात ए यहां पर घात दो, तो ए बराबर कितना हो गया, कंपेयर करेंगे तो ए बराबर दो आ गया। अब देखिए इंटू पांच है, इंटू पांच है, यहां पर घात बी है वहां पर दो है, तो ये बी बराबर कंपेयर करने पर बी बराबर कितना आ गया दो, और इसी तरीके से यहां सात पर घात सी है और यहां सात पर घात एक है, और जब कंपेयर कराएंगे तो सी बराबर कितना आ गया एक, तो ए बराबर दो, बी बराबर दो और सी बराबर एक आ गया। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ए बराबर दो, बी बराबर दो और सी बराबर एक, यह हमारा ऑप्शन बन रहा है सी, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वैलिड आंसर होगा। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस फैक्टर करिए, बस दोनों साइड से कंपेयर करा लीजिए, तुलना करा लीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। प्रश्न संख्या आठवां देखिएगा, ए और बी पूर्ण संख्याएं, ए और बी ये दोनों कैसी संख्याएं है, पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें दिया है यथा नहीं तथा होगा, चलिए ए पर घात बी बराबर 121 है, तो अच्छा देखिए a पर घात b बराबर 121 है, और देखिए घातांक का नियम सीधा स्पष्ट कहता है कि डेटा जितना हो सके आसान कैलकुलेट करके रखें, खासकर फैक्टर करके, 121 का फैक्टर करेंगे तो ये 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, बस a पर घात b बराबर 11 का स्क्वायर, चूंकि ये दोनों बराबर है अतः बोथ साइड से कंपेयर कर लीजिए तो ए बराबर मिलेगा 11, आधार आधार के बराबर हो जाएगा और घात घात के बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो गया 2। बस ए और बी का मान मिल गया, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए माइनस वन पर घात बी प्लस वन, तो ए माइनस वन, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 11 है, तो अब देखिए 11 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 10, और यहां घात b प्लस वन है और b का मान 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 10 का क्यूब मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आएगा 1000, ऑप्शन यहां भी c बन रहा है। अच्छा ये नहीं सोचना कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा ऑप्शन c ही होता है, तो यहां से कुछ लगातार आपको c ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप हीट एंड ट्रायल पर नहीं जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या नौवां यहां से देखते हैं, एक्स बराबर वाई पर घात ए, y बराबर z पर घात b और z बराबर x पर घात c है, तो a इंटू b इंटू c का वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक घातांक का नियम हम सभी जानते हैं, घातांक का नियम एक ये होता है
कि यदि ए प्रघात यम बराबर ए प्रघात यन हो तो ऐसी स्थिति में यम बराबर यन के हो जाया करता है, जब आधार आधार समान हो तो कंपेयर करके घात को भी बराबर दिखाया जाता है। अब यहां पर फिलहाल यदि हम फोकस करें तो देखिए तीन जानकारी हमारे सामने है, तीन में से कोई भी एक जानकारी आप उठाएं, तीन में से कोई भी जानकारी आप उठाएं, यहां से बात समझिएगा, तीन में से आप कोई भी जानकारी उठाएं आप निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। चलिए यहां से सबसे पहले यह देख लेते हैं, जैसे यक्ष बराबर देखिए मैं तीन में से पहली जानकारी ले रहा हूं, एक्स बराबर वाई पर घात कितना है, ए है, यही है ना, बस हमें करना क्या है दोनों पक्ष में आधार को बराबर कर लेना है, दोनों पक्ष में आधार बराबर करना है। तो अब ध्यान देना वाई के स्थान पर मैं जेड पर घात बी लिख सकता हूं कि नहीं, जहां वाई लिखा है उस वाई के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूं, देखिए एक्स बराबर वाई के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूं, जेड पर घात बी, ये मैंने किसके स्थान पर लिखा, वाई के स्थान पर, वाई बराबर जेड पर बी है और इस पर घात कितना है ए। अच्छा देखिए अभी भी दोनों साइड आधार बराबर नहीं है, अभी भी दोनों साइड आधार बराबर नहीं है, हमें दोनों साइड आधार बराबर करने हैं, तो यहां पर जेड का वैल्यू प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, बताइए जेड बराबर किसके है, एक्स पर घात सी के। तो अब बात समझिएगा इस जेड के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, एक्स पर घात सी, और बी पहले से है ए पहले से है, मतलब घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, नहीं समझ में आया, पहले आप ऐसा समझ लीजिएगा, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, एक्स बराबर वाई पर घात ए है तो वाई का वैल्यू जेड पर घात बी है तो जेड पर बी किया। अच्छा देखिए घात पर घात हो तो घातों का गुणा होगा तो जेड पर घात ए बी हो जाएगा कि नहीं, इतना बात समझ में आया कि नहीं। अब जेड के स्थान पर मैं एक्स पर घात सी लिख सकता हूं, तो जब जेड के स्थान पर देखिए जब जेड के स्थान पर मैं लिखूंगा एक्स पर घात सी तो इस पर ए बी पहले से है। अब बताइए घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा तो ये हो गया ए बी सी। अब देखिए दोनों पक्षों में आधार क्या है बराबर, इधर भी आधार एक्स है उधर भी, तो इस पर घात एक होगा, जब कोई घात नहीं है तो एक होगा, तो ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना हो जाएगा एक, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया ए इंटू बी इंटू सी बराबर कितना एक, इसका ऑप्शन बनेगा डी। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए बस कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष में आपको आधार को बराबर दिखा लेना है बस। प्रश्न संख्या 10वां और सीरीज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, चलिए ये तो बहुत सस्ता सवाल है, 10वां सवाल है दो करणी में तीन है कैसी संख्या, दो करणी में तीन कैसी संख्या बताइए, धन पूर्णांक, बिल्कुल गलत। देखिए धन पूर्णांक क्या होता है, देखिए धन पूर्णांक होता है एक दो तीन चार, ये सभी धन पूर्णांक है ना, तो धन पूर्णांक तो ये है नहीं, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन होती है समस्त ऋण प्राकृतिक संख्या और जीरो सहित समस्त धन प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है, मतलब ये नेगेटिव इनफाइनाइट से ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक प्रोसीड करता है। तो ये तो देखा जाए रूट थ्री पर ही पहले आप विचार कर लीजिए, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, रूट थ्री क्या है अपरिमेय का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकती है, और इसको p बाई क्यू, जहां p और q दोनों कैसे होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए, जहां q जीरो ना हो, तो p तो पहली बात तो पूर्णांक बन ही नहीं पाएगा, ये अपरिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या है, देखिए मैं आपको बता दूं जितनी भी करणी में संख्याएं हैं खासकर वो पूर्ण मूल नहीं निकाल पाए तो ऐसी संख्याएं सभी अपरिमेय होती है। देखिए अपरिमेय संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो जितनी भी करणी में संख्याएं हैं जिसका पूर्ण मूल नहीं निकल पाए, जैसे करणी में तीन तीन का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, थर्ड रूट फाइव पांच का घनमूल नहीं निकाल पाएंगे, फोर्थ रूट सेवन सात का चौथा मूल नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ऐसी सभी संख्याएं जो करणी में हो जो जिसका ठीक ठाक मूल नहीं निकल पाए वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे करणी में तीन करणी में पांच करणी में सात है ना, और इवन पाई भी कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या के एग्जांपल है, ये हो जाएगा पाई अपरिमेय संख्या के रूप में आप इसे एक्सेप्ट करेंगे,
अच्छा ये नहीं सोचना पाई को हम पाई बटे एक लिख सकते हैं, ये पी बाई क्यू हो गया। पाई देखिए कभी कभी आप पाई को परिमेय इसलिए भी मान लेते हैं क्योंकि पाई बराबर 22 बटे 7 रख लेते हैं, तो एक चीज स्पष्ट समझिएगा पाई का वैल्यू 22 बटे 7 नहीं होता, ये इसका सन्निकट वैल्यू होता है, सन्निकट मान। पाई की संकल्पना को स्पष्ट समझने के लिए आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पाई का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान दिया वो आर्यभट्ट प्रथम थे, आर्यभट्ट प्रथम ने ही सर्वप्रथम देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान रखा। इन्होंने दशमलव की 5 आवर्ती लेकर बताया कि 100 में 4 जोड़कर 8 से गुणा करें, प्राप्त गुणनफल में 62,000 जोड़कर 20,000 से भाग दें, प्राप्त भागफल ही पाई के मान के बराबर होगा। तो पाई का इन्होंने जो डेफिनेशन दिया 100 में 4 जोड़कर 8 से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल में 62,000 जोड़कर 20,000 से भाग दें, ये जो भागफल होगा ये पाई के मान के बराबर होगा। तो एक्चुअल में 62,832 बटे 20,000 ये जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये 3.1416 डाट आएगा, ये पाई का वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है आर्यभट्ट प्रथम द्वारा। और 22 बटे 7 जो होता है वो एक्चुअल इसके करीब होता है, इसलिए ये सन्निकट वैल्यू के हिसाब से सही है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो आप अपरिमेय संख्या में एक्सेप्ट करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस पार्ट लेकर दूसरा सीरीज इसका फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।